नमस्कार, बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपको अपने घर के एलिवेशन के बारे में एक बार विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एलिवेशन बन रहे हैं दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं। कहीं से कोई कोना कट जाता है, कहीं से कोई कोना बढ़ जाता है। फ्रंट के एलिवेशन के एक पार्ट में बहुत ऊंचाई कर दी जाती है और एक पार्ट को बिल्कुल हल्का कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है और उसमें आप अपना घर बना रहे हैं, तो उसमें आपको फ्रंट के एलिवेशन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, आपका जो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है उसके अंदर जो एलिवेशन बन रहा है वो आपका बिल्कुल लाइट वेट का होना चाहिए। ज़्यादा भारी भरकम डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। कोई कोना कटा हुआ या बढ़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको अपने यहाँ पर जो कलर स्कीम का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको ब्लू टोन का इस्तेमाल अपने यहाँ पर करना चाहिए, बिल्कुल लाइट कलर से लेकर डार्क कलर तक। जैसा आपको पसंद है वो कलर आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड में आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और थर्ड में आप लाइट ग्रे कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। व्हाइट कलर आप अपने यहाँ पर बेस बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ब्लू फैमिली आपके लिए हमेशा ही फायदेमंद रहेगी। ब्लू टोन आपने घर के फ्रंट के भाग में लेकर आते हैं तो उसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसी के साथ जो आपकी बाउंड्री वॉल है उसको टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे नहीं बनाना चाहिए, उसे आप बिल्कुल स्मूथ बनाएं और जितनी दीवार पतली बनाएंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद। इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपका घर जो कि नॉर्थ फेसिंग है उसके फ्रंट के एलिवेशन में वास्तु दोष नहीं बनेगा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, समझें। आपको लगता है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर ये बदलाव कर सकते हैं। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का मैप लेआउट बनवा सकते हैं, या आपने अपने घर का लेआउट बनवाया हुआ है उसे आप हमारे यहाँ भेजकर वास्तुशास्त्र के अनुसार चेक भी करवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 550+ वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।